गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन कौन कौन ऑनलाइन है फटाफट गुड इवनिंग लिख दीजिए चैट बॉक्स में सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कौन कौन क्लास कर रहे हैं आ जाइए फटाफट और बताइए वॉइस वीडियो क्लियर है या नहीं

शिवम गुड इवनिंग चलिए धीरे धीरे हमारे बंधु हमारे दोस्त सब आ जाएंगे तब तक हम लोग कुछ छोटी मोटी बातें कर लेते हैं आज का सेशन सी एफ आर यानी कॉरपोरेट फिनेंशियल रिपोर्टिंग जो आपके सीएमए फाइनल न्यू सिलेबस का पेपर नंबर 18 है उसका ओरिएंटेशन सेशन है जहां पर मैं आपको इस पेपर के बारे में इन एंड आउट समझाऊंगा पेपर का सिलेबस क्या है किस तरीके से इंस्टीट्यूट एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन प्लेस करेगा किस लेवल की नॉलेज इंस्टीट्यूट चाहता है सीएमए फाइनल लेवल पे इस पेपर में बच्चे के पास होनी चाहिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस पूरी जर्नी में हम ध्यान रखेंगे किस तरीके से हम सिलेबस को कवर करेंगे एंड एवरी डिटेल रिलेटेड टू सीएमए फाइनल सी मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं सेशन रमन गुड इवनिंग शिवम गुड इवनिंग ये डॉक्टर स्विंटेक्स आप अपना पूरा नाम बता दे तो इजी रहेगा मेरे को हु आर यू बिकॉज आपकी आईडी किसी और नाम से बनी हुई है गुड इवनिंग चलिए सर सर वी आर रेडी फॉर द डिस्कशन लेट्स स्टार्ट लेट्स बिगिन अवर जर्नी सर सबसे पहले तो ये जो कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है ना मैंने जब पुराने सिलेबस में CMA फाइनल सी पढ़ाया था मैंने ये एक्सपीरियंस किया था बच्चों को इस पेपर पेपर को लेकर ना बहुत एंजाइटी, बहुत डर लगता है जबकि आपने क्लास 11, 12 में अकाउंट्स पढ़ा है सीएमए फाउंडेशन लेवल पे अकाउंट्स पढ़ा है इंटर लेवल पे भी आपने अकाउंट्स पढ़ा है 150 मार्क्स का तो भी एक बच्चों के मन में एंगजाइटी या डर रहता था इस सब्जेक्ट को लेकर बिकॉज ऑफ दी साइज ऑफ दी सब्जेक्ट दी साइज ऑफ दिलेबस बच्चे हमेशा घबराते थे इस सब्जेक्ट से जबकि मेरे को ऐसा लगता है एंड आपको भी इस जर्नी के समय जब पढ़ना शुरू करेंगे, आप करेंगे आपको ऐसा लगेगा यह सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें अगर आपका बेस बैकग्राउंड सॉलिड होना तो आपको इस सब्जेक्ट को लिटरली याद ही नहीं रखना पड़ता अपने आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सारी चीजें याद रहेंगी सी एफ आर के पेपर को लेकर पेपर नंबर 18 को लेकर सबसे ज्यादा बच्चों के मन में डर रहता है जब मैं बात करता हूं ग्रुप फोर ऑफ सी एम ए फाइनल लेवल ये जो डर है ना सबसे पहले अपने मन से यह डर निकाल दीजिए क्योंकि आपने इस सब्जेक्ट को ऑलरेडी बेहतरीन तरीके से बहुत डीपली कवर कर रखा है अब आपको बस ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या अकाउंट्स का सब्जेक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से सजा कर पढ़ के अब उस उस गुत्थी को सुलझा देना है खत्म कर देना है सो so दैट जब आप अपने जॉब में जाओ जब आप बिजनेस वर्ल्ड में जाओ जब आप इंडस्ट्री में जाओ तो आप अपने इन कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अप्लाई कर सको तो सबसे पहला बात जो बच्चे के मन में रहता है कि सर हम लोगों को डर लगता है इस सब्जेक्ट से वो डर आप अपने मन से हटा दीजिए थ्रू आउट दी जर्नी हमेशा यही कोशिश करूंगा कि हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़े कि आपको एकदम सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल देकर मैं यह समझा सकूं कि उस कॉन्सेप्ट में बोला क्या जा रहा है उस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे होगा छोटे छोटे एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशन लेंगे सो दैट एप्लीकेशन पोर्शन आपका क्लियर हो अलोंग विद दी अंडरस्टैंडिंग पार्ट सबसे पहला बात यह नंबर टू इस पेपर का जो सिलेबस है वो इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि कोई भी बच्चा इस पेपर में फेल हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता अब एक कोई भी स्टूडेंट होगा तो उसके 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 स्ट्रांग पॉइंट्स में या तो प्रैक्टिकल उसका स्ट्रांग पॉइंट होगा या थ्योरी उसका स्ट्रांग पॉइंट होगा कोई बच्चे का प्रैक्टिकल स्ट्रांग होता है थ्योरी वीक होता है कोई बच्चे का थ्योरी स्ट्रांग होता है प्रैक्टिकल वीक होता है ऐसे टाइप के जनरली बच्चे होते हैं पेपर इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है कि देयर इज अ ब्लेंड ऑफ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड थ्योरिटिकल नॉलेज ऑल्सो अगर कोई बच्चा इस चैप्टर के सिलेबस को जो मैं अभी आपको समझाऊंगा उस सिलेबस को एनालाइज करेगा ना इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी तरीके से पूरे सिलेबस को डिजाइन कर रखा है सजा रखा है विद अ गुड ब्लेंड ऑफ थ्योरी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग जितने भी कॉन्सेप्ट पूरे सब्जेक्ट में पढ़ाए जाएंगे ना वो आपको रियल लाइफ में जब आप काम करने जाओगे वो चीजें आपको रियली really काम आएगी वो चीजें रियली really आपको सॉल्व करने में पुराने सीएफआर के इंस्टीट्यूट का सिलेबस वॉज अ ब्लेंड बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी थे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनको आप इंडेस बोलते हो वो भी थे कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर्स भी थे और कुछ थियोरिटिकल चैप्टर्स थे इंस्टीट्यूट या बच्चे हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करते थे कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है इन डी एस भी है जब हम लोग सर पढ़ाई करते हैं ना सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है पहले तो सर हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो हम लोगों को पढ़ना है वो खुद में इतना डिफिकल्ट हो जाता था कि बच्चे ना ये फील करते थे सिलेबस सर स्ट्रेच होते चला जा रहा है

जब आप मेरे साथ सिलेबस देखोगे सिलेबस सच में सर इतना 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 uh, कर दिया गया है, नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि इस सिलेबस को अगर हम चाहे तो समेट के प्रॉपरली पकड़ के रख सकते हैं एंड हम लोग इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे कि जब भी हम दूसरे तीसरे चैप्टर में जाए पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था हम कभी भूले नहीं वो कॉन्सेप्ट हमेशा हमारे दिमाग में रहे हम लोग हमेशा उसी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं चाहूंगा आप मेरे साथ कॉपी में नोट करें वो रहेगा सिलेबस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिलेबस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दैट इज पेपर 18 ऑफ ग्रुप फोर ऑफ सीएमए फाइनल अगर सिलेबस की मैं बात करता हूं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिया गया सिलेबस इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिया गया सिलेबस ये पहले अपने समझ लेते हैं फिर मैं इसको प्रॉपरली आपको चार्ट बना के लिखवा दूंगा सो so दैट आपके सामने हमेशा सिलेबस एकदम आई के सामने कॉपी के फर्स्ट पेज में हो एंड प्रॉपरली आप अपने तरीके से चीजों को पढ़ सके एंड रिवाइज कर सके जब मैं पढ़ाऊंगा मैं एक लॉजिकल सीक्वेंस में सब्जेक्ट को कवर करूंगा लॉजिकल सिक्वेंस में सब्जेक्ट को कवर करने के बाद जब आप रिविजन करने बैठोगे आपको किस तरीके से रिवाइज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा सो so दैट आप प्रॉपरली हमेशा सी के सब्जेक्ट को कम से कम टाइम में रिवाइज कर सको फाइनल लेवल पे चैलेंज सबसे बड़ा यही होता है सबसे पहले तो क्लासेस कंप्लीट करना क्लासेस अच्छे से देखकर समझकर कंप्लीट करना क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा होती है नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं नंबर टू क्लासेस खत्म होने के बाद इस तरीके से रिविजन करना ताकि हम उस सब्जेक्ट को समेट कर रख सके इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग दोनों काम बहुत प्रॉपरली सिंपल तरीके से अच्छे तरीके से हमेशा कर सके Institute के स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो पूरे सिलेबस को ना सिक्स में डिवाइड किया गया है सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी सेक्शन ई सेक्शन एफ ये वाली जो बुक है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर करके रखूंगा अगर मैंने कर भी दिया होगा तो पता नहीं नहीं तो मैं करके रखूंगा ये शेयर बिकॉज ये बुक आपको हमेशा रेफर करती रहनी है सो so दैट कोई भी एक चीज कोई भी एक वर्ड हम लोग मिस ना करें हम लोग सब कुछ कवर करते हुए चले ये हमारा सिलेबस है और आप सीएमए के स्टूडेंट्स हो आपने फाउंडेशन इंटर क्लियर किया है आप बिल्कुल जानते हो सीएमए सीएमए इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल के बाहर जाता ही नहीं है जब वो एग्जाम का पेपर सेट करता है उनके लिए उनका मॉड्यूल ही सब कुछ है और उसी से वो एग्जाम पेपर हमेशा हमेशा सेट करते हैं तो ये हमारे लिए आप समझो दी गीता रहेगा दी फाइनल थिंग रहेगा जो पढ़ने के बाद हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमने प्रॉपरली सब कुछ कवर कर लिया कि नहीं ये जरूरी है इंस्टीट्यूट में जितना फॉलो करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा सेक्शन ए में सबसे पहले दिए गए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एस सिंपल में बोलू तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिया गया है हम लोग जानते हैं इंडिया में अभी दो पैरेलल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल्स अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल्स जो है वो दो पैरेलल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी इंडिया में चल रहा है सिंपल भाषा में बोलूं छोटी कंपनीज के लिए छोटी कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बड़ी कंपनीज के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इनडेस पहले सी एफ आर के सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हुआ करते थे पूरे और कुछ सेलेक्टेड भी हुआ करते थे नए सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पूरा हटा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पढ़ना है इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ना है फाइनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ रहा है पढ़ना है अब जो पढ़ना है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना है इंडिया पढ़ना है जो बड़ी कंपनीज फॉलो करती है जहां पर नॉर्मली एक सीएमए स्टूडेंट प्लेस होगा उनसे रिलेटेड आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाएंगे स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ये पोर्शन है टोटल ट्वेल्व इंडेस बारह आपके सिलेबस में है टोटल इन डेस आपके सिलेबस में है और इस पोर्शन का इस सेक्शन का मार्क्स वेटेज है ट्वेंटी फाइव परसेंट जो टोटल पेपर का मार्क्स वेटेज है उसका 25 परसेंट आपको कहां से दिया जाएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे थियोरिटिकल क्वेश्चंस भी होंगे हर टाइप का चीज रहता है क्वेश्चन पेपर में जैसे इंटर लेवल में था वैसे भी फाइनल लेवल में हर टाइप का चीज पेपर में रहता है इंस्टीट्यूट नॉर्मली हंड्रेड मार्क का पेपर में थर्टी मार्क्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है सेवेंटी फाइव मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है सेवेंटी फाइव मार्क्स होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ट्वेंटी फाइव मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ए एस से दिखेगा और सेवेंटी फाइव मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन दिखेंगे अगर टोटल पेपर का बात करो तो जनरली आपका टोटल पेपर होता है 130-135 मार्क्स का 130 मार्क्स मैं कैसे बोलता हूं आपका 25 मार्क का हो गया क्या 25 मार्क का आपका हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर 15 मार्क के सेवन क्वेश्चंस होते हैं 105 मार्क्स जिसमें से आपको करना पड़ता है एनी फाइव सेवेंटी फाइव मार्क्स वन हंड्रेड फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव हो गया वन थर्टी और जो शॉर्ट नोट का क्वेश्चन होता है उसमें एक वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है जो पांच मार्क का रहता है जिसमें एक चॉइस रहता है टोटल वन मार्क्स का आपका

सेक्शन बी में तीन प्रैक्टिकल चैप्टर्स हमें दिए गए हैं पढ़ने के लिए प्रैक्टिकल चैप्टर्स में किनको बोलता हूं न्यूमेरिकल चैप्टर्स जहां से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में देखने मिलेंगे वो न्यूमेरिकल चैप्टर्स तीन आपको दिए गए हैं टोटल पढ़ने के लिए एक आपको दे दिया वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये वैल्यूएशन का चैप्टर है एक कंपनी की गुडविल वैल्यूएशन करना एक कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन करना शेयर्स बाई सेल करेंगे कंपनी का टेक ओवर होगा तो किस प्राइस पे शेयर बाई सेल किए जाएंगे ये सारा चीज का कैलकुलेशन हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है दूसरा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इनडेस की दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा यह फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो चैप्टर है ना यह एक्चुअली इनडेस बेस्ड है यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इनडेस थर्टी टू वन जीरो सेवन वन जीरो नाइन इंडेस डिस्कस करेंगे वैसे जितना डेप्थ इन इंडेस में है आपके सिलेबस में उतना पोर्शन दिया नहीं गया है आपके पोर्शन में रेलिवेंट पोर्शन इस चैप्टर में कवर किए हैं इंस्टीट्यूट ने इंडेस थर्टी टू वन जीरो सेवन वन जीरो नाइन के फिनांशियल इंस्ट्रूमेंट से अगर आपको बेसिक बताऊं इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है इन्वेस्टमेंट्स हाउएवर ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें इन्वेस्टमेंट भी आते हैं लोन्स भी आते हैं बोरोइंग्स भी आती है जो भी हमारे एसेट्स और फिनाशियलियल लाइबिलिटीज है वो सारे यहां कवर किए जाते हैं अकाउंटिंग फॉर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एक तगड़ा कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर जो आपके दिमाग को एकदम झंझोर के रख देगा आपको ऐसा लगेगा हां सर हमने कुछ सीखा है कुछ ऐसा सीखा है जो नॉलेज हम रियल लाइफ में यूज कर पाएंगे प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर पाएंगे वेरी इंटरेस्टिंग तीसरा चैप्टर एनबीएफसी बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज उनसे रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट्स कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेगा ये तीन चैप्टर हैं जो हम लोगों को सेकेंड पार्ट में कवर करने हैं जो हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर से या प्रैक्टिकल पोर्शन बोल के हम लोग कवर करेंगे ये ये वाला पार्ट फिफ्टीन परसेंट कंप्लाई करेगा टोटल पेपर का फिफ्टीन परसेंट ये वाला पार्ट से है तो अगर 135 थर्टी फाइव मार्क्स का फिफ्टीन परसेंट कैलकुलेट करूं तो ये होता है अराउंड ट्वेंटी मार्क्स तो फिफ्टीन टू ट्वेंटी मार्क्स आपको ये पहला वाला था थर्टी टू थर्टी फाइव मार्क्स फिफ्टीन टू ट्वेंटी मार्क्स आपको यहां से देखने मिलेगा थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो ऐसे uh, पार्ट है जिसको हम लोग बड़े बड़े चैप्टर्स बोलते हैं दी मोस्ट क्या बोलते हैं लेंदी डिस्कशन जो हमारे पूरे सिलेबस का है वो है सेक्शन सी और डी जो हम लोग एकदम लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि इसके इसको कवर करने के लिए मेरे को पूरे सिलेबस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है ये दोनों भी प्रैक्टिकल पोर्शन है हमारे सिलेबस के सेक्शन सी अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब अमल गमेशन एक्विजीशन की अकाउंटिंग सीखना रिकंस्ट्रक्शन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की अकाउंटिंग सीखना वो हम लोग सीखेंगे सेक्शन सी में जो अकेला ट्वेंटी मार्क्स ऑफ फुल पेपर कवर करता है ट्वेंटी मार्क्स 130 का 20 परसेंट मार्क्स देखोगे तो 25 टू 30 मार्क्स का आपको पेपर में दिखेगा अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन और ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का अकाउंटिंग इन कंप्लायस विथ इंडेस जो इंडे एस में अकाउंटिंग रूल्स दिए गए हैं उसके बेसिस पे बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग करना यह दिया गया है इंड एस वन में इंड एस वन में ये इंडियस 103 हमें पढ़ना है बिजनेस कॉम्बिनेशन की एक्विजिशंस मर्जर्स अमलगमेशंस की अकाउंटिंग सीखनी है इस चैप्टर के अंदर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग जानते हैं बचपन में भी हमने लॉ पढ़ रखा है लॉ में बोला जाता है अगर कोई कंपनी का होल्डिंग्स कोई कंपनी का सब्सिडरी एसोसिएट या जॉइंट वेंचर कंपनीज होगा तो उस कंपनी को अपने स्टैंड स्टैंडलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रुप के भी बना के स्टेक होल्डर्स को देने होंगे सो दैट वो लोग पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस को एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग कर सके ये जो ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेट

हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड एंड इलेवन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ये सारे इंडियस हम लोग इस पोर्शन पे कवर करेंगे इस पोर्शन में कवर करेंगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्वाइंट अरेजमेंट्स डिस्कलोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज ये सारे इंडियस हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है जो हम लोग सेक्शन डी में कवर करेंगे तो सर पहले तो आप बारह इंडियाज बोले अब तो एक एक करके इंडिया बढ़ता ही चला जा रहा है वो इंडिया जो अब नीचे में लिख रहा हूं ये सब प्रैक्टिकल टॉपिक बेस्ड इंडियस है इनको आप इंडिया या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी वाला मत समझो इनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे तो ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स है इनको इंडिया समझ के थ्योरी समझ के डरने का नहीं मजेदार चैप्टर है सीखने के बाद जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा वो खुश कर देगा आपको ये दोनों चैप्टर्स हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे एकदम एंड में करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें सब नॉलेज चाहिएगा तब जाके हम लोग वहां पर कदम रख पाएंगे ये भी 20% परसेंट ऑफ फुल सिलेबस कवर करता है 25 टू 30 मार्क्स 25 टू 30 मार्क्स ये मेरे पहले टोटल चार पार्ट्स हो गए इसके बाद जो सेक्शन ए e और सेक्शन एफ है ये दोनों थ्योरिटिकल चैप्टर्स के सेक्शन है पूरा कोर थ्योरी कोई प्रैक्टिकल नहीं कुछ नहीं सारा ज्ञान थ्योरिटिकल ज्ञान है जहां पे हम लोग पहले चैप्टर में देखेंगे रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देकर वो एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड नए नए डेवलपमेंट हम लोग सीखेंगे किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बेटर किया जा सकता है स्टेक होल्डर को अच्छी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है वो सारा हम लोग सीखेंगे रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल और लास्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया सीएमए सीएम गवर्नमेंट सेक्टर पीएसयू सेक्टर में बहुत 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 opportunities मिलती है तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड ज्ञान किस तरीके से गवर्नमेंट अपनी अकाउंटिंग करता है गवर्नमेंट की अकाउंटिंग के क्या रूल्स है क्या स्टैंडर्ड्स है किस तरीके से गवर्नमेंट अपना अकाउंट्स मेंटेन करता है प्रैक्टिकली नहीं थियोरिटिकल नॉलेज आपको दी गई है गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया वाले पार्ट में दी ये दोनों ही टॉपिक 10% परसेंट टेन परसेंट ऑफ दोटल सिलेबस कंस्टिट्यूट करते हैं यानी 10 टू 15 मार्क्स आपको एग्जाम में इन टॉपिक से देखने को मिलेगा ये मेरा ये मेरा पूरा का पूरा सिलेबस का बाइफर्केशन है टोटल देर आर सिक्स सेक्शंस सेक्शन ए बी सी डी ई एफ पहला सेक्शन इंडेस जहां पर हमें नॉलेज लेनी होगी अकाउंटिंग रूल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिलेटेड टू वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दूसरा सेक्शन हो गया प्रैक्टिकल चैप्टर्स जहां पे हम लोग वैल्यूएशन सीखेंगे गुडविल शेयर्स का जहां पे हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का अकाउंटिंग सीखेंगे एनबीएफसी के बारे में पढ़ेंगे फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन एंड लास्ट में दो थियरिटिकल चैप्टर रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया ब्लेंड so आप देखो ध्यान से जो इंड एस वाला है थी प्रैक्टिकल दोनों है, फिर दो तीन, जो तीन है, वो है। और लास्ट दो प्रैक्टिकल पोर्शन स्ट्रॉग रहता है वो भी अच्छे से यह सब्जेक्ट पढ़ सकता है अगर किसी बच्चे का थ्योरी पोर्शन में अच्छा अच्छा क्या बोलू पकड़ है तो वो थ्योरी पोर्शन भी कवर करके एग्जाम में जा सकता है एंड इस पेपर में आप चाहो तो अच्छी तरीके से पास हो सकते हो फेल होने का बात नहीं है जैसा सिलेबस बनाया गया है फिर पेपर पैटर्न भी आपके लिए फेवरेबल 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये मैं बता रहा हूं जो पहले पहले पेपर्स आया करते थे अभी तक दिसंबर थाउजेंड ट्वेंटी सिलेबस में कैसे पेपर्स आएंगे वो बताया नहीं है बट पहले ही ऐसा ही पेपर पैटर्न होता था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे 25 मार्क्स के फिर हमारे पास बड़े क्वेश्चन आते थे जहां पर हमें चॉइस दी जाती थी दो क्वेश्चन की एक क्वेश्चन होता था लास्ट क्वेश्चन जिसमें सिर्फ शॉर्ट नोट पूछे जाते थे जैसा जनरली आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर होता था एट दी सी इंटरमीडिएट लेवल तो जो भी बच्चा जैसा भी हो जो भी पसंद हो उसको यह सिलेबस उसके लिए एकदम परफेक्ट सिलेबस है और इस सिलेबस को बहुत इंस्टीट्यूट ने छोटा कर दिया एज कंपेयर टू सिलेबस जो सी एफ आर ओल्ड सिलेबस में था तो यू आर वेरी 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 लकी दैट यू आर स्टडिंग दी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट अंडर द न्यू सिलेबस हमको पता आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा जर्नी कब शुरू हुई और सर ने कब खत्म कर दी इतनी अच्छी तरीके से इतने धीरे धीरे एप्लीकेशन सीखते सीखते अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा सिलेबस कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया बट ये जरूर मैं आपको वादा करता हूं कि जिस दिन हम लोग सिलेबस खत्म करेंगे आपको लगेगा ये सी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पास हो जाएंगे यहां हम फेल होने वाले नहीं है क्या सारे बच्चों को सिलेबस क्या है वो क्लियर है क्या सिलेबस क्लियर टू एवरी स्टूडेंट इन दी क्लास मैं आगे जब जाऊंगा तो मैं एक एक चैप्टर में जब जाऊंगा इन डेप्थ हम लोग डिस्कशन करेंगे कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे पहले मैं उसका आपको आई व्यू दूंगा क्या पढ़ने वाले हैं क्या इंपॉर्टेंट बातें यहां पर सीखेंगे क्या बेसिकली आपको नॉलेज पहले से है इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में सो so दैट जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूं आप मेरे साथ साथ बात कर सकू जब भी लाइव ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हो या रिकॉर्डेड पढ़ते हो ना हमेशा ध्यान रखना पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइव ऑनलाइन में चार्ट्स के थ्रू पार्टिसिपेशन जब मैं कुछ पूछूं तो आंसर करने की कोशिश करो एंड रिकॉर्डेड में जब मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन खुद से करना है पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन करने का जब हम लोग कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करें उसमें सोचो आपने क्या बोला था अगर मैं पूछू बता यार तुमने फिक्स एसेट के बारे में क्या जानते हो तुम तो तुम भी बोलो कि सर फिक्स एसेट में ऐसा 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 होता था सो दैट यू कैन रिलेट थिंग्स टू दी क्लास and you can do much better studies than others clear hai very good wonderful hum log is syllabus ko na hamari copy mein likhenge hamari copy mein likhenge ye subject 100 marks ka hai hamare liye paper number 18 group 4 ये आप लिख सकते हो, paper 18 group 4 मैं सिलेबस को इंस्टीट्यूट ने छह पार्ट में बांट रखा है मैं इस सिलेबस को टोटल चार पार्ट में डिवाइड करता हूं मैं इस सिलेबस को टोटल चार पार्ट में डिवाइड करता हूं पहला पार्ट रहेगा इंड एस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये पोर्शन आप एग्जाम में मान के चलो 25 टू 30 मार्क्स का आपको देखने मिलेगा 25 टू 30 या 30 टू 35 जो भी मैंने लिखा वही लिख लेते हैं कोई बात नहीं 30 टू 35 30 टू 35 मार्क्स का देखने मिलेगा यहां पे हम डील करेंगे विद टोटल 12 इंडिया इसमें से एक इंडेस में यहां से चुराऊंगा और उसको सेकंड पार्ट में डाल दूंगा और फिनांशियल इंस्ट्रूमेंट वाला इंडेस मैं यहां पर ले आऊंगा क्योंकि वो हम लोग इनके इंडेस के साथ ही कवर कर लेंगे यहां से मैं एक इंडिया निकाल के फिनांशियल इंस्ट्रूमेंट को डाल रहा हूं तो आप समझो ट्वेल्व इंडेस या ट्वेल्व चैप्टर आपको यहां पढ़ने आपके लिए वो ट्वेल्व चैप्टर्स हो गए सर क्या कौन, कौन कौन से इंडेस हमारे सिलेबस में एक एक करके बात करूंगा नेक्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर्स प्रैक्टिकल चैप्टर्स शन वन पार्ट वन प्रैक्टिकल चैप्टर्स पार्ट वन टोटल आपके एग्जाम में ट्वेंटी परसेंट फिफ्टीन परसेंट कवर करता है तो फिफ्टीन टू ट्वेंटी मार्क्स यहां पे हमारे पास टोटल रहेंगे तीन प्रैक्टिकल चैप्टर्स नंबर वन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड गुडविल नंबर बी रहेगा शेयर बेस्ड पेमेंट इनडीएस वन जीरो टू जो इंस्टीट्यूट ने नहीं दे रखा उन्होंने इन इनडीएस सेक्शन में दे रखा है हम लोग उसको यहां पढ़ लेंगे क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान है जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करना होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने होंगे तो मैंने जैसा कहा इन इनडेस से एक चीज यहां ले आया और इन इनडीएस में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डाल दूंगा मैं नंबर सी एनबीएफ ये टोटल तीन चैप्टर्स हम यहां कवर करेंगे एस में ट्वेंटी मार्क्स के साइड ही आपको एग्जाम में ज्यादा दिखने का चांस है ट्वेंटी मार्क्स के साइड इन में थर्टी मार्क्स के साइड फिफ्टी मार्क्स यहां हो गया तीसरा पार्ट में प्रैक्टिकल चैप्टर पार्ट, पार्ट टू ये हमारा इंपॉर्टेंट एंड लेंथी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट एंड लेंथी जो 20 परसेंट ट्वेंटी परसेंट के लिए रेलिवेंट है इनको मैं 50 टू 60 मार्क्स दोनों को मिला के फिफ्टी टू सिक्सटी मार्क्स ज्यादा चांस फिफ्टी मार्क्स के साइड रहेगा फिफ्टी मार्क्स के साइड फिफ्टी टू सिक्सटी मार्क्स एग्जाम में ये हमारे पास देखने मिलेंगे हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेंगे यहां हम लोग दो चैप्टर्स कवर करेंगे बेस्ड ऑन इनडेस एक बिजनेस कॉम्बिनेशन इंड एस वन जीरो थ्री इंड एस वन जीरो थ्री और यहां कवर करेंगे हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट इनसे रिलेटेड बहुत सारे एनडीएस है डरने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ एनडीएस लिख के छोड़ दो इनडीएस ये दो हमारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स रहेंगे और ये हमारे लास्ट चैप्टर्स रहेंगे पूरे सिलेबस के लास्ट चैप्टर्स और लास्ट बट नॉट द लिस्ट दिटिकल पोर्शन थ्योरी चैप्टर्स लिस्ट बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट और यही वो पार्ट है जो पेपर कंप्लीट करने में आपको हेल्प करेगा पेपर में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने में आपको हेल्प करेगा और जहां जहां डर लगेगा उनको कवर करने में हेल्प करेगा यह बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन और हम लोग इसको प्रॉपर टाइम देकर पढ़ेंगे बहुत बच्चे फील करते हैं थ्योरी वाले चैप्टर्स को ना सर फटाफट फटाफट करवा के खत्म कर देते हैं वैसा काम नहीं करेंगे हम लोग एक एक डिस्कशन एक एक चीज टाइम लेकर करेंगे मैं आपको समरी भी अलग से दूंगा मैं आपको थोड़े बहुत नेमोनिक्स भी लिखवा दूंगा सो दैट हम लोग क्या कर सके हम लोग इन थ्योरी को रिटेन कर सके और बिल्कुल टफ थ्योरी नहीं है एकदम इजी है बस क्या है दो तीन बार रीडिंग करनी है मैं जो पढ़ाऊं वो रीड करना है घर जाके फिर नेक्स्ट क्लास आने से पहले रीड करना है ऐसे जब आप मेरे साथ साथ रीडिंग करते चले जाओगे आपको लर्न होते चला जाएगा थ्योरी चैप्टर्स में दो चैप्टर ये टोटल मार्क्स है टेन अगर मैं बोलूं तो फिफ्टीन टू फिफ्टीन टेन टू फिफ्टीन मार्क्स तो ट्वेंटी टू थर्टी मार्क्स यहां पे दो चैप्टर्स आ जाएंगे रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नंबर बी गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया गवर्नमेंट अकाउंटिंग ये हमारे पेपर का पूरा का पूरा एक आप समझ लो वर्ड्स आई व्यू है पूरे सब्जेक्ट का जो आपको यह बताएगा हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है अ फाइन ब्लेंड ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल अ फाइन ब्रेंड ब्लेंड ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल द पेपर विल ऑलवेज हेल्प यू टू कवर द पेपर टू गेट मार्क्स वेरी इजिली एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स बहुत मजेदार जर्नी रहेगी एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक जब आप पढ़ना शुरू करोगे फील हम लोग सीख रहे हैं कुछ कुछ नॉलेज लेकर जा रहे हैं कुछ कंटेंट लेकर जा रहे हैं जो रियल लाइफ में भी अप्लाई कर पाएंगे लिख लिया आपने अब इन चैप्टर्स को मेरे जब मैं आपको बुक्स दूंगा मैंने टोटल चार मॉड्यूल्स में डिवाइड किया चार मॉड्यूल्स अभी तक मैंने आपको दो मॉड्यूल दे दिए है प्रैक्टिकल चैप्टर वन वाले की मॉड्यूल आप तक पहुंच चुकी है प्रैक्टिकल चैप्टर ये थ्योरी चैप्टर वाले की आपको मॉड्यूल पहुंच चुकी है और इन डेज का एक 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 पार्ट आपके पास मैंने अभी तक पहुंचा दिया है क्योंकि इंस्टीट्यूट अपनी मैट रिलीज किया मैट रिलीज करने के बाद उस मैट के एक एक पोर्शंस को प्रॉपरली पढ़ के एक एक क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने अपनी मटेरियल में दिया उनको प्रॉपरली एनालाइज करके हम लोग मटेरियल बना रहे हैं तो वो मटेरियल आपको फर्स्ट बैच में फेज बाई फेज मिलेंगे कोई बच्चा रिकॉर्डेड क्लास कर रहा है थोड़े दिन बाद तो उनको हो सकता है सारी मैथ्स एक साथ चली जाए अदरवाइज ये मैथ्स आपको फेस्ड मैनर में जाएगी जो आपको मॉड्यूल वन का पार्ट मिला है सिर्फ एक हैंडआउट मिला है उसकी एक पूरी मटेरियल आपको मिलेगी जिसमें सारे के सारे इंडेस एक साथ होंगे तो वो एक बड़ा मैट आ जाएगा अभी तो मैंने एक पार्ट दिया है सो so दैट हम लोग स्टार्ट कर सके पढ़ाई क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है मैं वो आपको अभी बताऊंगा वो आपको दे दिया है ताकि हम लोग अपना स्टार्ट कर सके प्रॉपरली पढ़ाई वो पहले आपको मिल जाएगी इनडीएस वाली मैट फिर उसके बाद आपको मिल जाएगी प्रैक्टिकल चैप्टर्स वाली मैट देखिए क्या होता है ना मैं चाहूं तो कॉपी पेस्ट करके फटाफट फटाफट आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से मटेरियल बना के आपको दे दू बट द प्रॉब्लम इज सिर्फ आप अगर अपनी इंस्टीट्यूट की मटेरियल पर पढ़ते समय डिपेंडेंट रहेंगे जब आप क्लास कर रहे हैं जब आप मेरे से सीख रहे हैं प्रॉब्लम क्या होता है जो रियल कवरेज होनी चाहिए उस जो रियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो रियल थॉट प्रोसेस होना चाहिए उस पूरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टॉपिक का वो आपको नहीं मिलेगा मैंने जो मटेरियल बनाए हैं सीए इंस्टीट्यूट के तो क्वेश्चंस कवर किए हैं साथ साथ सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल के भी क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने में क्योंकि एग्जाम में जब इंस्टीट्यूट क्वेश्चन देखता है ना वो वो ये नहीं बताता ये मैंने दिया था कि ये मैंने नहीं दिया था मैंने कॉन्सेप्ट आपको बुक में दिया था तो मैं उसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दूंगा भले ही उसके मटेरियल में वो क्वेश्चन हो या ना हो पहला एक टर्म दो टर्म में नए सिलेबस में क्या होता है वही पूछता है जो मैट में है बट धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना इंस्टीट्यूट डायनामिक करते जाता है अपने क्वेश्चंस को तो जब भी हम लोग मटेरियल बनाते हैं ऐसा नहीं है सीएमए फाइनल सीएफआर का मटेरियल है तो सीएमए के इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही बनेगा बेस वही रहेगा बट उसके ऊपर हमें और जाना पड़ता है सो so दैट हम आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझा सके तो मॉड्यूल्स हमारी टोटल तीन फेज में हम आपको डिलीवर करेंगे अभी फर्स्ट बैच में पहला फेज फेज वन जो आपको चला गया है मॉड्यूल्स का ये मॉड्यूल्स आपको मिल गई होंगी जब आप ये क्लास कर रहे हो फेज वन में आपको थ्योरी वाला मॉड्यूल मिल गया होगा जिसको मैं मॉड्यूल फोर बोलता हूं आपको प्रैक्टिकल चैप्टर्स पार्ट वन का मॉड्यूल मिल गया होगा जिसको मैं मॉड्यूल टू बोलता हूं और इन डेज का मॉड्यूल का एक सेक्शन आपको मिल गया होगा जिसको मैं मॉड्यूल वन बोलता हूं टोटल चार मॉड्यूल्स रहेंगे वन टू थ्री एंड फोर वन इज 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 प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चैप्टर्स चैप्टर्स इंडियाल फोर थोड़ी वाला पार्ट इसको छोड़ के कुछ मैं आपको समरीज वगैरह भी दूंगा जैसे जैसे हम लोग एक एक चैप्टर थ्योरी चैप्टर कवर करते चलेंगे थ्योरी के लिए समरीज वो मैं आपको दूंगा वो अलग से पीडीएफ रहेंगी वो आपको हेल्प करेंगी सो दैट एग्जाम से पहले पूरा बुक ना घुमाना पड़े वो पीडीएफ घुमाओ काम हो जाएगा उसमें हर चीज आपको थोड़ा बॉक्सेस वगैरह में इजी करके दिया हुआ रहेगा सो दैट आप कॉन्सेप्ट को एक बार वहां से फटाफट पढ़ सको वो मैं आपको अलग से दूंगा क्वेश्चन वगैरह सब कुछ इन्हीं मॉड्यूल्स में रहेंगे प्रॉपरली रहेंगे सो so दैट आप मेरे साथ पढ़ाई कर सको फेज टू में जाएगा मॉड्यूल वन फुल मॉड्यूल वन जिसमें सारे इंडेस रहेंगे और फेज थ्री में जाएगा मॉड्यूल थ्री जो कंसोलिडेशन ऑफ और बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला मॉड्यूल है तो जो बच्चे कैलकटा में हैं जो यहां पे सेंटर पे आके मॉड्यूल लेंगे जब जब आएगा मैं आपको बता दूंगा आप कलेक्ट कर लेना कभी भी ऑफिस जाते समय जो बच्चे बाहर हैं जिन बच्चों ने होम डिलीवरी का हमें पेमेंट किया है हम जरूर उनको वो मॉड्यूल बुझाएंगे आपको बार बार पेमेंट नहीं करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मॉड्यूल आप तक पहुंच जाएगी क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर है कुछ बच्चे कल की क्लास में डिस्क, कल टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे मॉड्यूल्स को लेकर मैं ये मॉड्यूल्स के बारे में आपको ये बता देता हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे जो भी होगा हर चीज की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा ऐसी कोई बात नहीं रहेगी जो मैं आपको ना बताऊं हर बात मैं आपको बताऊंगा सो दैट आपको हमेशा ट्रांसपेरेंसी रहे कि अविनाश भैया किस तरीके से कैसे चीजों को कवर करेंगे जनरली आप में से सारे बच्चे वही होंगे जिन्होंने मेरे से इंटर लेवल में पढ़ रखा है एंड आपको एक ट्रस्ट है कि हाँ अविनाश भैया से ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो जरूर अविनाश भैया हमें ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाकर हमें एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेंगे तो आई विंड्रेड परसेंट टू हंड्रेड परसेंट लेवल बेस्ट कि मैं आपके ट्रस्ट को कभी भी ब्रीच ना करूं एंड मैं आपको अच्छे से अच्छी तरीके से पढ़ा कर दूं तो ये चीज मैं पहले ही आपको बोलता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे अब हम लोग पढ़ाई करेंगे कैसे वो समझ लो क्योंकि सिलेबस में प्रैक्टिकल थ्योरी स्टैंडर्ड्स का एक बहुत अच्छा ब्लेंड है मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि पहले इंडिया सारे पढ़ा दिए फिर प्रैक्टिकल चैप्टर्स में आ गए फिर प्रैक्टिकल चैप्टर्स फिर थ्योरी चैप्टर्स उससे क्या होता है ना एक मोनोटोनी हो जाता है एक बार बार वही चीज सर वही इंडियास पढ़ रहे हैं बीस क्लास से पच्चीस क्लास से

सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा पहले मैं इंडेस शुरू करूंगा दो आपके साथ डिस्कस करूंगा, करूंगा। मटेरियल भेज दिया है। पहले indies, दो कवर करने के बाद हम लोग जाएंगे एक प्रैक्टिकल चैप्टर में वन प्रैक्टिकल चैप्टर वी विल कवर मैं पहला चैप्टर कवर करता हूं शेयर बेस्ड पेमेंट्स हम लोग शेयर बेस्ड पेमेंट्स वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल चैप्टर करेंगे थोड़ा एक ब्रीदर मिल जाएगा एक लगेगा हाँ सर दिमाग चल रहा है हम लोग क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं तब तक आपको वो दो इंडियज रिवाइज करते रहना है फिर मैं जाऊंगा एक थ्योरिटिकल चैप्टर में एक थ्योरिटिकल चैप्टर कवर करा दूंगा समझ में आया बात इस तरीके से किया जैसे ही थियोरिटिकल चैप्टर कवर हो जाएगा वापस मैं दो नेक्स्ट इंडियास लूंगा

फिर मैं वापस दो इंडीएस पढ़ाऊंगा फिर प्रैक्टिकल चैप्टर एक पढ़ा दूंगा फिर हम लोग चले थ्योरी चैप्टर तो अब खत्म हो गया फिर वापस दो इंडिया पढ़ेंगे ऐसे कर करके जो मेरे बारह इनडीएस है मैंने पहले दो इंडीएस पढ़ाए एक प्रैक्टिकल चैप्टर करा दिया एक थियोरिटिकल चैप्टर करा दिया थ्योरिटिकल चैप्टर खुद में बहुत बड़े बड़े चैप्टर है तो ऐसे नहीं करेंगे पूरा एक साथ पढ़ लेंगे अपने मान लो एक चैप्टर में बारह पंद्रह यूनिट्स है तो अपने क्या करेंगे पांच छह यूनिट्स पढ़ लिया समझ लिया जो रिलेटेड यूनिट्स था उनको अच्छे से देख लिया एक बार के लिए कंप्लीट फिर दो इंडियज कर लिया प्रैक्टिकल चैप्टर कर लिया बैलेंस पोर्शन उसके बाद बैलेंस पोर्शन ऑफ दैट फर्स्ट पोर्शनिटिकल चैप्टर मैंने खत्म करवा दिया देन वापस दो कर लिया ऐसे करने से क्या होगा ना हम लोग साइमल्टेनियसली पूरे सिलेबस को प्रॉपरली बांट पाएंगे और थोड़ा थोड़ा टाइम हम हर चीज को दे पाएंगे सो दैट साइमल्टेनियसली हम हर चीज को कवर करें और मैं सबसे लास्ट में आपके साथ करूंगा बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन कवर करूंगा फिर कंसोलिडेशन कवर करूंगा मैं इंटर लेवल पे भी आपको ऐसे ही पढ़ाता था इंटर लेवल में मेरे पढ़ाने का इंटर लेवल में मेरे पढ़ाने का तरीका था मैं कैसे पढ़ाता था पहले मैं आपको करवाता था एक फाउंडेशन का, जो लेवल का था, बेसिक्स करवा दिया। फिर एक साथ साथ नई नॉलेज भी अक्वायर करते जा रहे हैं जब पुरानी का रिविजन वो चैप्टर चल रहा है तो नई नॉलेज वाले चैप्टर का थोड़ा थोड़ा रिविजन कर लिया रेगुलर प्रैक्टिस कर लिया जिससे हमारा क्या होगा सारा साइमल्टेनियसली सिलेबस कवर होते चला जाएगा मैंने फर्स्ट बैच में भी यही तरीका यूज किया था एंड द रिजल्ट्स वेर इमेंस बच्चों को ऐसा था कि सर थोड़ा थोड़ा कवर करने से ऐसा हुआ कि हम लोग हर टॉपिक पर हर चीज पर इक्वल स्ट्रेंथ से ध्यान दे पाए और हमको टाइम मिला हर चीज को रिवाइज करने का इसके साथ साथ इसके साथ साथ आपको जैसे ही मैं दो डेज और एक चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा हम लोग शुरू कर देंगे एक रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर सर ये रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स क्या होता है रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स में मैं क्या करता हूं हर दो दिन में क्योंकि आपका सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा इनिशियली हर दो दिन में तीन दिन में मैं एक क्वेश्चन ऐप में अपलोड करूंगा वन क्वेश्चन ऐप पर अपलोड करूंगा वो ऑब्जेक्टिव भी होगा एमसीक्यू भी हो सकता है ट्रू फॉल्स भी फिल इन फिल्म ब्लैंक्स भी हो सकता है बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो सकता है कोई भी टाइप का क्वेश्चन मैं ऐप में अपलोड करूंगा आपको क्या करना है जब भी वो क्वेश्चन आएगा उसी दिन उसी दिन उस क्वेश्चन को प्रॉपरली अपनी कॉपी में सॉल्व करके उसका आंसर ऐप में फीड करके चेक करना है कि आपने सही किया कि गलत किया और आपको कॉन्सेप्ट ध्यान है कि नहीं इस इस क्वेश्चन से फायदा क्या होता है पता है इस क्वेश्चन से फायदा क्या होता है इस क्वेश्चन से ये फायदा होता है जब मैंने तीन चैप्टर कवर कर लिए तीन चैप्टर कवर कर लिए मैंने चौथे चैप्टर में जा रहा हूं पहला चैप्टर भूल गया पांचवें चैप्टर में जा रहा हूं दूसरा चैप्टर भूल गया मैं चैप्टर्स भूलते चला जाता हूं भूलते चला जाता हूं बट जब जब ये पुराना चैप्टर्स का क्वेश्चन आपको नॉक करेगा ना तो आपको क्या रहेगा चल रहा है मेरा टॉपिक नंबर फोर बट मेरे को फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर का भी सर ने एक क्वेश्चन दिया मैंने उसको थॉट दिया मैंने उसका आंसर करके दिया तो मेरे को वो चैप्टर वो टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज हो गया ऐसे जब आप पुराने टॉपिक्स को थोड़ा 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 रिवाइज करते 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 आगे बढ़ोगे आप जिस दिन सिलेबस खत्म करोगे आपको ऐसा लगेगा सर पुराना जितना भी चैप्टर पढ़ा हुआ था वो मेरे को याद हो गया है मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स है बैठ गया है हमको उसको और और रिवाइज करने का दरकार ही नहीं है और एक ट्राई करते हैं हम लोग 60, 65, 70 क्वेश्चन में आपको दे सकूं और ये ऐसे क्वेश्चन हो जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो जो एग्जाम में आने वाले हो सो so दैट आपका एग्जाम का प्रैक्टिस आपका का revision, आपके पुराने का एकदम साथ साथ चले और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ये एप्लीकेशन पे रेगुलर बेसिस पे आपको रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स मिलेगा इंटर लेवल पे भी मैंने दिया था तो इंटर लेवल पे भी आपने ये रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स किया था था आपका एक एक्सपीरियंस कि हाँ, सर सब्जेक्ट मेरे को याद रहता है वही सेम एक्सपीरियंस हम लोग फाइनल लेवल में रिक्रिएट करेंगे ये पहला पहला टर्म होगा जिसमें मैं फाइनल में कंक्रीट तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स आपको दूंगा सो so दैट आप प्रॉपरली चीजों को रिवाइज कर सके याद कर सके इसके बाद जैसे जैसे हमारे पोर्शन कंप्लीट होते चले जाएंगे इन पोर्शन के टेस्ट आपको देने हैं फाइनल लेवल में जो सबसे ज्यादा बच्चा गलती करता है गलती नंबर वन क्लासेस को स्पीड में देखना या स्किप करना कुछ चैप्टर स्किप कर दिया टॉपिक स्किप कर दिया क्लासेस फास्ट फास्ट देख रहा है गलती नंबर वन गलती नंबर टू क्लासेस कंप्लीट करते चले जाना खाली क्लास कंप्लीशन पर फोकस देना साथ साथ प्रैक्टिस ना करना गलती नंबर थ्री टेस्ट नहीं देना एग्जाम ओरिएंटेशन नहीं करना ये तीनों गलती का निवारण है अगर आप मेरे साथ प्रॉपरली इस सिलेबस को इस जर्नी को कवर करोगे पहला प्रॉब्लम जो फटाफट क्लास देखने का या स्किप करने का है इसको अगर आपको इसको अगर आपको खत्म करना है तो आपको कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ क्लासेस देखनी है हमें फास्ट फास्ट क्लास या स्किप करके तभी देखना पड़ता है जब हम कंसिस्टेंट नहीं होते हमारी एक प्रॉपर रूटीन नहीं होती अगर मैं आपको लाइव में वीकली फाइव डेज पढ़ा रहा हूं थ्री आवर्स अ डे जब आप वीडियो भी करोगे तो आपको वीकली फाइव वीडियोस कम से कम करने हैं पांच से छह कर सकते हो पांच से चार नहीं होना चाहिए और कंसिस्टेंटली कोई भी वीक में आपका क्लास मिस नहीं होना चाहिए आपको मोबाइल फोन पर भी एक्सेस है लैपटॉप पर भी एक्सेस है अगर लैपटॉप आप घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो लैपटॉप पर करो घर पर नहीं हो कहीं आप काम से बाहर गए हुए हो कैलकटा से बाहर हो आप अपने मोबाइल फोन में पढ़ाई करो पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए वीक में पांच क्लास करना है तो करना है पांच से ज्यादा कर सकता हूं बट पांच से कम नहीं करना है जब आप डेडिकेटेड रूटीन फॉलो करोगे ना तो आप देखोगे आपको कभी रश नहीं करना होगा आप कभी लैग नहीं करेंगे प्रॉब्लम नंबर टू साथ साथ प्रैक्टिस ना करना क्लास तो करते जाएंगे क्लास में जो मैं कराऊंगा वो कर लेंगे बट खुद से जो प्रैक्टिस करना है वो आप नहीं करते हैं उस प्रैक्टिस को इंश्योर करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स मैंने आपको दे दिया तीसरा सर ट होने के बाद उनका रिविजन ना करना और पूरा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उनका रिविजन करके टेस्ट ना देना जिसके कारण एग्जाम ओरिएंटेशन नहीं हो पाता इंडिविजुअल चैप्टर तो सर पढ़ेंगे याद हो जाएगा बट पूरा सिलेबस का कंबाइंड लिखने बैठेंगे तो हम लिख पाएंगे कि नहीं हमको पता नहीं क्योंकि हम कभी टेस्ट देते नहीं है वो टेस्ट आपको देने पोर्शन वाइज टेस्ट टोटल सिलेबस वाइज टेस्ट जब आप देना शुरू करोगे तब आपको रियल में पता चलेगा कि आपने सब्जेक्ट को सही से पढ़ा है या नहीं एंड सब्जेक्ट का जब एग्जामिनेशन होगा आप उस एग्जामिनेशन को प्रॉपरली पास कर पाओगे या नहीं तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको भी आपको ये इंश्योर करना है कि आप ये तीनों स्टेप मेरे साथ फॉलो करो जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लासेस भी करेंगे उनको भी ये स्टेप फॉलो करने उनको भी इतनी चीजें हमसे मिलेंगी जो उनको प्रॉपरली करनी है और जब आप ये करने लग जाओगे ना आपको कोई रिविजन वीडियो की दरकार नहीं पड़ेगी कोई मैराथन की दरकार नहीं पड़ेगी जब ये सब नहीं करते हैं तब लास्ट मोमेंट में रिविजन चाहिए सर रिविजन वीडियो दीजिए सर रिविजन वीडियो दीजिए क्यों क्योंकि पहले तो पढ़ा नहीं अब रिविजन वीडियो चाहिए ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा जो आपका रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स रहेगा वो अवेलेबल रहेगा टिल योर एग्जाम अगर आप मान लो अभी जून के लिए ले रहे हो कोई कारण से जून में नहीं दे पाया दिसंबर तक वो वैलिड नेक्स्ट दिसंबर में दोगे हमारी टीम को बोलो टीम आपका रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स वापस एक्सटेंड कर देगी आराम से फ्री ऑफ चार्ज रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स टेस्ट पेपर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे टिल द डेट ऑफ योर एग्जाम बट जो लेक्चर्स है जितना वैलिडिटी आपको दिया गया है उतना ही दिया गया है उससे ज्यादा वो एक्सटेंड नहीं किए जाएंगे क्योंकि अगर वो एक्सटेंशन आपको फ्री में करने का हम लोग बोल देंगे तो आप कभी भी क्लासेस टाइम से कंप्लीट नहीं करेंगे लेक्चर्स विल बी वैलिड एज पर योर पैकेजेस एज पर योर सब्सक्रिप्शन रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स टेस्ट मैं आपके एग्जाम तक आपको वैलिड करवा के रखूंगा सो so दैट कभी भी आपको प्रैक्टिस करना हो देखना हो आप आराम से देख सके ये हमारा पढ़ाई करने का तरीका रहेगा इट इज नॉट ओनली अबाउट दी लेक्चर ओनली जिसके लिए आपने मेरी क्लासेस सब्सक्राइब की है इट इज अबाउट दी फुल सी एफ आर पेपर जिस पर आपको स्ट्रेंथ चाहिए और जिसके लिए आप मेरी क्लासेस कर रहे हो एंड मैं चाहता हूं यू डू फुल जस्टिस टू यू पेमेंट यू हैव मेड टू मी एंड यू क्लियर योर सी एफ आर पेपर विथ गुड मार्क्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इस तरीके से मैं पूरा पेपर आपके साथ आपको पढ़ाऊंगा आपके साथ डिस्कस करूंगा और कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जहां आपको ऐसा लगेगा अविनाश सर ने तो फटाफट कंप्लीट करा दिया समझाया ही नहीं हर टॉपिक में जितना आपको टाइम का दरकार होगा उस हिसाब से मैं आपको टॉपिक कवर करवाऊंगा मैं कभी हड़बड़ी नहीं करूंगा जैसे आपको दरकार होगा वैसे आपको पढ़ाऊंगा क्लियर है क्या बात मैंने अभी लाइव क्लास का टाइम क्या रखा है मंडे से हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मंडे को वी विल बी डिस्कसिंग बेसिक्स ऑफ एनडीएस बेसिक्स ऑफ मंडे खत्म करने के बाद ट्यूसडे से हम लोग एनडीएस के अंदर चले जाएंगे पहला एनडीएस अपना शुरू कर देंगे क्लास का टाइम रहेगा मॉर्निंग मॉर्निंग सेवन थर्टी टू नाइन इवनिंग सॉरी मॉर्निंग सेवन टू एट थर्टी शायद मैंने क्या टाइम दिया है आप एक बार चेक कर लेना मैं यहाँ यही लिखा हुआ होगा मेरे पास होगा मॉर्निंग सेवन थर्टी टू नाइन एंड इवनिंग सेवन थर्टी टू नाइन ये टाइम हम लोग रखेंगे सो so दैट हम आराम से से क्लासेस कर सके दो दो पार्ट में मैंने क्लास कारण तोड़ी है नंबर नंबर रीजन आपके पास इतना सुबह सुबह टाइम नहीं रहता कि आप एक पूरी क्लास कर लो बहुत बच्चों का ऐसा होता था कि सर क्लास को बीच में छोड़ के हमें इंटर्नशिप के लिए जाना है हमें अपनी आर्टिकलशिप के लिए जाना है जिसके कारण क्या होता था बाद में आके बैकअप करना पड़ता था क्लास का नंबर घंटे स्ट्रेच में जब एक चीज को अपने पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है कभी कभी ना ध्यान भटक जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है फुल कंसंट्रेशन के साथ हम पढ़ाई कर सकते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर हम लोग दिन में दो बार मिलेंगे सुबह सेवन थर्टी टू नाइन एंड इवनिंग सेवन थर्टी टू नाइन ये हमारा दो टाइम हम मिलेंगे सुबह और शाम दोनों टाइम अगर आपको ऐसा लगता है सर हम दो दो पार्ट में क्लास नहीं कर सकते जैसे हमने दूसरे सब्जेक्ट्स भी ले रखे हम चाहते हैं एक टाइम हम पूरा वो करें जैसे आपकी इच्छा पढ़ना तो तीन घंटे है सी अब सुबह पढ़ो शाम को पढ़ो वो आपकी इच्छा है आप क्या कर सकते हो आप मेरे साथ लाइव मत चलो आप मेरे से एक डे पीछे चलो मैं जो मंडे का क्लास होगा वो मंडे इवनिंग तक अपलोड कर दूंगा आप ट्यूजडे बैठ के वो डेढ़ डेढ़ दो पार्ट जो क्लासेस है वो एक साथ देख के कंप्लीट कर दो ट्यूसडे का क्लास ट्यूसडे अपलोड हो जाएगा वेंसडे बैठ के एक साथ कर दो थर्सडे वेंसडे का क्लास वेंसडे अपलोड हो जाएगा थर्सडे बैठ के एक साथ कर दो अगर आपको लगता है आप दोनों पार्ट एक साथ करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो बट आई एडवाइस जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आप पढ़िए उससे बेटर उससे अच्छा तरीका आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने जो जो चीज लास्ट टर्म में फाइनल के स्टूडेंट्स के साथ फेस की जो मैंने उनके साथ एक्सपीरियंस गैदर किया वो एक्सपीरियंस मैं आपको इस बैच में शेयर कर रहा हूं सो so दैट आप बहुत स्मूथली इस बैच में पढ़ाई कर सके तो दो टाइम हमारी क्लास होगी मॉर्निंग एंड इवनिंग थर्टी मिनट्स ईच तीन घंटे की रेगुलर क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहेगा अगर वीक में कोई दिन कोई क्लास ऑफ हो जाती है कोई कारण से कोई भी प्रॉब्लम के कारण या कोई मान लो हॉलीडे आ जाता है तो उसके क्लासेस सैटरडे या संडे को हम लाइव कर लेंगे सैटरडे या संडे को हम लाइव करेंगे संडे को अगर लाइव करेंगे तो विल ट्राई एक ही स्ट्रेच में दो ढाई घंटे की एक क्लास कर ले सैटरडे को अगर करेंगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि किस टाइम में क्या क्लास होगा अभी के लिए मंडे टू फ्राइडे थ्री आवर्स पर डे फाइव डेज फिफ्टीन आवर्स की हमारी क्लास रहेगी मंडे से हम शुरू करेंगे एंड विल कंप्लीट बाय थर्टी फर्स्ट मार्च उससे पहले ही मैं कंप्लीट कर दूंगा बट मैंने बफर ले रखा है ताकि हम लोग वहां तक कंप्लीट कर दे क्योंकि सिलेबस हमारा थोड़ा कंस्ट्रेंट भी इंस्टीट्यूट ने कर दिया तो हम लोग आराम से कर पाएंगे हम लोग जर्नी में हड़बड़ी नहीं करेंगे धीरे धीरे बट हम लोग ट्राई करेंगे चीजों को टाइम से वाइंड अप करने का विथ रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स विथ थ्योरी विथ समरी विथ एवरी हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग उसको प्रॉपरली वाइंड अप करते हैं इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू पहले आठ दस लेक्चर्स एक वीक दो वीक मैं आपके साथ इसी तरीके से आपको लिंक दे दूंगा लिंक के थ्रू हम लोग करेंगे और उसके बाद क्लासेस एप्लीकेशन में होंगी लाइव जो भी बच्चे को जो डेमो पर्पज के लिए बच्चे चाहते हैं ना ये क्लासेज में बाद में पब्लिक कर दूंगा ताकि बच्चे भी देख सके इसीलिए ये क्लासेज लिंक भेज दूंगा आपको लिंक से ही करना है मेरे साथ ये लिंक आपके टेलीग्राम ग्रुप में ही रहेगा कभी भी आपका छूट जाए तो उसी से रेफर करके कर, कर लेना और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये सारी क्लासेस जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन में ये सारी क्लासेस में एप्लीकेशन में भी डाल दूंगा सो so दैट वहां से भी अगर आपको देखना हो आप देख सको ठीक है रमन वी विल विल बी डूइंग दिस विल देखो आप लोग एक दूसरे के दोस्त हो आप लोग सब एक लेवल के हो ये थोड़ा बहुत आधी घंटा आगे पीछे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई एल ऑलवेज हेल्प यू डोंट वरी अबाउट दिस 7:30 नहीं तो 7:45 चालू कर लेंगे क्योंकि हम लोग फाइनल के स्टूडेंट्स हैं यार सर आप रात भर पढ़ाओ ना हम रात भर पढ़ेंगे सर हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है सर हम लोगों को सर वो सब चीज से टेंशन नहीं होता है तो मैं बिल्कुल रमन हेल्प करूंगा डोंट वरी अगर 7:45 फोर्टी फाइव वेट पर चालू करना हुआ इवनिंग में मैं वो कर दूंगा सो दैट आप लोग आराम से चिंता मुक्त होकर मेरे साथ पढ़ाई कर सको मैं चाहता हूं स्ट्रेस फ्री हो आप पढ़ाई करो स्ट्रेस लेके पढ़ाई करने में कुछ नहीं है ऐसे ही जर्नी इतनी डिफिकल्ट है और स्ट्रेस लेंगे क्लासेस को लेकर तो और टेंशन में आ जाएंगे कोई स्ट्रेस लेने का दरकार नहीं है शांति से पढ़ाई करेंगे और जिनको मैंने बोला ना कि जिनको ऐसा है जो बच्चे ऐसा चाहते हैं कि वो एक साथ क्लास करेंगे वो एक एक दिन पीछे चलो मेरे से एक एक दिन ही पीछे चलना मैं मंडे टू फ्राइडे कराऊंगा आप ट्यूसडे टू सैटरडे पूरा वीक का कंप्लीट कर दो फिर नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे पढ़ाऊंगा आप ट्यूसडे टू सैटरडे सब कंप्लीट कर दो तो मेरे साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ठीक है शुभम आई एम ओपन दैट वे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आई आई लडजस्ट दैट वे क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग में सिर्फ फाइनल की क्लासेस रखूंगा जो भी मेरा इंटर लेवल का क्लासेस होता है वो डे में होता है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ये पूरी बात मैं आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करना चाहता था मंडे को जब हम अपना पहला क्लास करेंगे जो हमारा पहला क्लास रहेगा फर्स्ट डिस्कशन क्लास रहेगा जहां पे हम लोग इन डे के बेसिक्स चालू करेंगे आई वॉन्ट यू टू हैव योर मॉड्यूल वन का पार्ट वन बुक विथ यू नंबर टू एक कॉपी बनानी है आपको नई पूरी नई फ्रेश कॉपी बनानी है उस टॉपिक में कुछ लिखने की दरकार नहीं पड़ेगी बहुत कम लिखने का दरकार पड़ेगा बट नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन हम सब कॉपी में सॉल्व करेंगे तो हमें कॉपी चाहिए एक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए और एक फ्रेश पॉजिटिव माइंड आपके पास होना चाहिए आपके पास इतनी चीजें होंगी तो हम मंडे से क्लास चालू करेंगे एंड विल स्टार्ट अवर जर्नी जैसे जैसे मैं पढ़ा के आगे बढ़ते जाऊंगा आपको भी मेरे साथ धीरे 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 आगे बढ़ते जाना है एंड आई

थैंक यू सो मच एवरी वन बाय आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट्स टूडे क्योंकि आज हमने ऐसा कुछ डिस्कस ही नहीं किया जिसमें डाउट्स हो uh, तो मंडे मिलते हैं मॉर्निंग सेवन थर्टी मैं लिंक संडे इवनिंग भेज दूंगा आपको मंडे मॉर्निंग आप उसको सेवन थर्टी पर मेरे साथ ज्वाइन कर लेना एंड फिर हम लोग अपनी पढ़ाई चालू करेंगे थैंक यू सो मच बबाई